हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, क्योंकि हमने इससे पहले चैप्टर में चुंबक के बारे में पढ़ लिया था, तो इसीलिए हम इसमें शॉर्ट शॉर्ट पढ़ने वाले। क्लियर है? चुंबक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। ऐसे पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। तो इसकी अगर हम परिभाषा बनाएं तो चुंबक लिखेंगे तो चुंबक की परिभाषा क्या होगी? ऐसे पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। क्लियर है? अब बात आती है चुंबकत्व की। तो अब हम पढ़ेंगे चुंबकत्व, यानी कि चुंबकत्व किसे कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को ही, यानी कि इस आकर्षण करने के गुण को ही क्या कहते हैं? हम चुंबकत्व कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हम लिख सकते हैं चुंबक के द्वारा लोह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षण करने के गुण को ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, चुंबक के द्वारा लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षण करने के गुण को ही क्या कहते हैं? हम चुंबकत्व कहते हैं। अब हम देखेंगे कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर चुंबक दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है हमारा प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक चुंबक के बारे में कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। ऐसा चुंबक जो प्रकृति के द्वारा पाया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे अगर इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी एक प्राकृतिक चुंबक है। क्लियर है? और अगर हम इसका दूसरा उदाहरण दें तो एक स्थान है मैग्नीशिया, उस स्थान पर एक काले रंग का पत्थर पाया जाता है जिसमें चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षण करने का गुण पाया जाता है। क्योंकि उस स्थान का नाम क्या है? मैग्नीशिया। तो उसके नाम के आधार पर ही इसका नाम मैग्नेट रखा गया, जिसका अर्थ होता है चुंबक। क्लियर है? अब बात आती है कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? कृत्रिम चुंबक मैनमेड होता है, मतलब मानव द्वारा निर्मित होता है। इसका मतलब ये है कि मानव द्वारा निर्मित चुंबक को ही हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब मानव ने तो कई प्रकार के चुंबक बनाए रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा छड़ चुंबक, जिसे हम दंड चुंबक भी कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर है? दूसरा है हमारा नाल चुंबक, ये घोड़े के नाल के आकार का होता है। तीसरा होता है हमारा गोल चुंबक, यानी कि वृत्ताकार चुंबक, ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस अध्याय में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे वो हम छड़ चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? छड़ चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। छड़ चुंबक के कौन कौन से गुण हैं? इसमें सबसे पहला गुण तो यही है कि यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका दूसरा पॉइंट, अगर हम छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। मान के चलेंगे ये हमारा छड़ चुंबक है, अगर इसको तेजी से घुमा दें तो ये हमेशा कहाँ पर जाकर रुकेगा? हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर रुकेगा। ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। तो इसको लिखेंगे, यदि हम छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। क्लियर है? अब इसका आ जाएगा तीसरा पॉइंट कि सजातीय ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं और विजातीय ध्रुव हमेशा आकर्षित होते हैं। मान के चलेंगे ये है हमारा एक चुंबक। क्लियर है? ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ। यहाँ पर भी एक चुंबक है,
ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, मतलब विजातीय ध्रुव है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इनके बीच कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पोल रख दें और यहाँ पर साउथ पोल रख दें तो भी इनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। क्लियर है। अगर दोनों ध्रुव एक जैसे हैं, मान के चलेंगे यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगर यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर भी साउथ पोल है तो इनके बीच भी कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं सजातीय ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं और विजातीय ध्रुव हमेशा आकर्षित होते हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि सजातीय ध्रुव यानी कि समान प्रकृति के ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं तथा विजातीय ध्रुव यानी कि विपरीत प्रकृति के ध्रुव हमेशा आकर्षण करते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे इसका चौथा पॉइंट कि चुंबकीय ध्रुव हमेशा एन व एस के युग्म में होते हैं, मतलब कोई भी चुंबक होगा उसमें एक युग्म होगा N व S यानी कि नॉर्थ पोल व साउथ पोल। मान के चलेंगे ये हमारा कोई चुंबक है, अगर इसमें एक ध्रुव नॉर्थ होगा तो दूसरा ध्रुव कौन सा होगा, साउथ होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि चुंबकीय ध्रुव हमेशा N व S के युग्म में होते हैं, अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यदि हम इस चुंबक को बीच में से तोड़ दें, क्या कर दें, यदि हम इस चुंबक को बीच में से तोड़ दें, मान के चलेंगे ये हमने बीच में से इसको तोड़ दिया, तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर है नॉर्थ पोल और यहाँ पर है साउथ पोल, अगर हमने इसको बीच में से तोड़ दिया तो ये नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, और यहाँ पर ये साउथ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। मतलब हमेशा दो ध्रुव ही रहेंगे। अगर हम इसको भी बीच में से तोड़ दें, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से तोड़ दें, अब चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साउथ, यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ। अगर हम इसको भी तोड़ दें बीच में से तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ है तो यहाँ पर आ जाएगा साउथ, यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ। मतलब हमेशा अगर कोई चुंबक रहेगी तो उसके दो ध्रुव हमेशा रहेंगे, कौन सा होगा, नॉर्थ और साउथ। इसके कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय ध्रुव में हमेशा चुंबकीय ध्रुव N व S के युग्म में होते हैं, चुंबकीय ध्रुव के अकेले का कोई अस्तित्व तो नहीं है, मतलब अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई भी अस्तित्व तो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी चुंबक में एक ही ध्रुव है, या तो नॉर्थ ही नॉर्थ हो या साउथ ही साउथ हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई चुंबक है तो उसमें दो ही ध्रुव होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण के बारे में कि चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना हमारे पास कोई चुंबक है, क्या है, मान के चलेंगे माना हमारे पास कोई चुंबक है, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। अगर हम इस चुंबक के पास कोई चुंबकीय पदार्थ लेकर आए, क्या लेकर आए, कोई चुंबकीय पदार्थ लेकर आए, तो चुंबक के पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। मतलब पास वाले सिरे पर
विपरीत प्रकृति का ध्रुव यहाँ पर एस है तो यहाँ पर एन आ जाएगा, और यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एस आ जाएगा, और दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। एक बार फिर से समझेंगे, यदि किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो चुंबक के पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, यदि किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो चुंबक के पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। पास वाला सिरा मतलब यहाँ पर साउथ पोल है तो यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ आ जाएगा। अगर दूर वाले सिरे की बात करें तो यहाँ पर साउथ है तो दूर भी साउथ ही होगा, यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर दूर भी कैसा होगा? नॉर्थ ही होगा। इस घटना को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबक के ध्रुव। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे? चुंबक के ध्रुव। मान के चलेंगे, माना हमारे पास कोई चुंबक है। क्या है? मान के चलेंगे, माना हमारे पास कोई चुंबक है। ये है चुंबक का नॉर्थ पोल और ये है चुंबक का साउथ पोल, यानी कि ये है चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। और हमें पता है कि चुंबक से बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। कहाँ से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से चुंबक के ध्रुव की परिभाषा बनाएं तो हम बता सकते हैं कि चुंबक के पास जिन दो स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं सबसे अधिक होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है, उस स्थान को हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, चुंबक के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं सबसे अधिक होती हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है, उन दोनों स्थानों को चुंबक के ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चुंबक के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है, उन दोनों स्थानों को क्या कहते हैं? चुंबक के ध्रुव कहते हैं। क्लियर है? अब बात आती है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक तो होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। अब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानेंगे कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं। अगर हम किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरती। ये तो हमने पढ़ लिया था इसके गुणों के बारे में। यदि हम किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो भौगोलिक उत्तर में चुंबक का जो सिरा जाके ठहरता है उस सिरे को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा भौगोलिक दक्षिण में चुंबक का जो सिरा जाके ठहरता है उस सिरे को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, यदि किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके ठहरती है। भौगोलिक उत्तर दिशा में ठहरने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा भौगोलिक दक्षिण दिशा में ठहरने वाले सिरे को चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर है? इसका नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुव प्रावल्य, यानी कि ध्रुव प्रावल्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना हमारे पास कोई छड़ चुंबक है। कैसे चुंबक है? माना हमारे पास कोई छड़ चुंबक है। यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे, ये है इसका नॉर्थ पोल, और यहाँ पर एक दूसरा बिंदु है, ये है इसका साउथ पोल। अच्छा, आपने सोचा होगा कि ये दोनों बिंदु थोड़े से खिसके हुए अंदर की तरफ क्यों हैं, और ये अंदर की तरफ ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, जिससे ये किनारों से हटकर थोड़े से अंदर चले जाते हैं। क्लियर है? तो हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य का क्या मतलब होता है? ध्रुव की प्रबलता,
यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की क्षमता। ध्रुवों के आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं हम, ध्रुव प्रावल्य कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, ध्रुवों के आकर्षण व प्रतिकर्षण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव प्रावल्य कहते हैं। क्लियर है? इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, ध्रुवों के आकर्षण व प्रतिकर्षण करने की क्षमता को ही हम ध्रुव प्रावल्य कहते हैं। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ये एम कैसी होती है? स्मॉल एम होती है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई किसे कहते हैं? तो मान के चलेंगे, माना हमारे पास ये चुंबक है, इसका एक सिरा तो ये रहा और दूसरा सिरा ये रहा। इन दोनों सिरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। यानी कि चुंबक की टोटल लंबाई को चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के एक सिरे से लेकर चुंबक के दूसरे सिरे तक की लंबाई को चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। अब बात आती है चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं? क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमें नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा दसा हुआ है ना, और ये साउथ पोल दिखाई दे रहा है, इसकी जो लंबाई है यानी कि इसकी जो बीच की दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चुंबक की प्रभावी लंबाई। दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई, अगर हम चुंबक की प्रभावी लंबाई का फॉर्मूला निकालें, तो चुंबक की प्रभावी लंबाई का फॉर्मूला होगा 5/6 इंटू चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ये हो जाएगा चुंबक की प्रभावी लंबाई का फॉर्मूला। अगर हमें चुंबक की प्रभावी लंबाई निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। अच्छा, ज्यामितीय लंबाई तो हम निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर चुंबक को माप लेंगे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई हो जाएगा, लेकिन चुंबक की प्रभावी लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे? ये बिंदु हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसके अंदर होते हैं, तो ये बिंदु हमें दिखाई ही नहीं देते हैं, ये थोड़े से अंदर होते हैं, इसीलिए हम चुंबक की प्रभावी लंबाई को निकालने के लिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई में 5/6 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी चुंबक की प्रभावी लंबाई। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई किसे कहते हैं? चुंबक की टोटल लंबाई को, यानी कि चुंबक के एक सिरे से चुंबक के दूसरे सिरे तक के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं हम, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। और चुंबक की प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। क्लियर है? ये होती है चुंबक की प्रभावी लंबाई। अब बात आती है हमारी मुख्य अक्ष की, यानी कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, यानी कि चुंबक का चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। अगर हम चुंबकीय अक्ष की बात करें, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्लियर है? अगर हम उदासीन बिंदु की बात करें, तो चुंबक के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो चुंबक के अंदर एक ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, उदासीन बिंदु कहते हैं। अगर हम उदासीन अक्ष की बात करें, तो उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को उदासीन अक्ष कहते हैं। यह चुंबकीय अक्ष के लंबवत होती है। एक बार फिर से देखेंगे, चुंबकीय अक्ष के लंबवत उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को उदासीन अक्ष कहते हैं। क्लियर है? ये हो जाता है हमारा उदासीन अक्ष। अब देखेंगे हम चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं।
तो सबसे पहले अगर आपने विद्युत द्विध्रुव को पढ़ा होगा तो चुंबकीय द्विध्रुव को आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव को। इसमें क्या होता है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी कितनी होती है, 2L। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इनसे बने युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है। अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव की बात करें तो यहाँ पर एक चुंबक होता है। क्या होता है, एक चुंबक होता है। चुंबक का ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। इसमें आवेश के स्थान पर ध्रुव प्रावल्य होता है। क्या होता है, आवेश के स्थान पर ध्रुव प्रावल्य होता है। ध्रुव प्रावल्य किसे कहते हैं, ध्रुवों के आकर्षण व प्रतिकर्षण करने की क्षमता को ही हम ध्रुव प्रावल्य कहते हैं। इसे हम M से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इनसे बने युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार समान ध्रुव प्रावल्य एवं विपरीत प्रकृति के ध्रुव, या फिर हम कह सकते हैं कि विजातीय ध्रुव, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इनसे बने युग्म को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, समान ध्रुव प्रावल्य एवं विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इनसे बने युग्म को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब बात आती है चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण की, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था इसको हमने कैपिटल पी से प्रदर्शित किया था, तो यहाँ पर हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में देखेंगे। किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसी एक ध्रुव प्रावल्य के परिमाण, ध्रुव प्रावल्य तो समान है, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को कैपिटल एम कहते हैं, तो इसको हम 2LM भी लिख सकते हैं। क्लियर है। एक बार फिर से देखेंगे, किसी एक ध्रुव प्रावल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं,